बहुत सी सिचुएशंस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से सर्कुलेट की और फिर ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड भी रही, और वो खबर थी हमारे दो सेलिब्रिटीज के हवाले से जो 3 साल पहले रिश्ता या इज़दवाज में बंधे और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई, बहुत खुशी से सेलिब्रेट भी की गई एंड दे बिकम द क्यूटेस्ट कपल इन द इंडस्ट्री। बट कल से ये खबर आ रही है फरहान सईद और उर्वा हुसैन की हम बात कर रहे हैं कि वो सेपरेट हो गए हैं एलिजिबली, क्योंकि अभी तक दोनों सेलिब्रिटीज की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया। बिल्कुल, कुछ डिनाइल नहीं आया है, इस बात को डिनाई नहीं किया गया सोशल मीडिया पर। कल ही से जब ये बात शुरू हुई कि फरहान सईद और उर्वा हुसैन के दरमियान सेपरेशन हो गई है, तो उसके बाद ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड भी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, फिर लोगों ने इस हवाले से अपने इजहार भी किया, कुछ लोगों ने बड़े दुख का इजहार किया, बड़े सैड हुए लोग, कैसे नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। लेकिन एक चीज कि अभी तक फरहान सईद और उर्वा की जानिब से इसकी डिनाइल नहीं आई है, तो दैट मीन्स लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं या ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वाकई इसमें सदाकत है। बिल्कुल, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उनके आपसी डिफरेंसेस की वजह से नाउ दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज, और ये हम जो तस्वीर देख रहे हैं लोगों ने कल उनकी बेशुमार जो 3 साल शादी की तस्वीर है वो प्रपोजल से लेकर की बड़ी बात की जा रही है। ने उन्हें आईफिल टावर के सामने पेरिस बड़ा फिल्मी अंदाज में जब प्रपोज किया था, और सभी ने कहा कि जैसे भी आप मतलब फिल्मी अंदाज से इतना ज्यादा रोमांटिक तरीके से जब प्रपोज हुआ तो उसका एंड इतनी जल्दी ना, अफसोसनाक है अगर ये हुआ तो। बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग न्यूज करार दिया जी आपके फैंस ने, तो फरहान और उर्वा लोग इंतजार कर रहे हैं कि या तो आप इस न्यूज को क्लियर कर दें, और अगर ये झूठ है तो फौरन आपको इसको डिनाय करना चाहिए, लेकिन अगर सच है तो आई थिंक यू ओ इट टू योर फ्रेंड्स कि आप अपनी खुशियां और हर चीज जब शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आई थिंक अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और अगर ये नहीं लिया जो भी है उसको क्लियर करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा।